सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। आयुष्मान भारत के पहली वर्षगांठ पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर श्री देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। ठीक एक वर्ष पहले जब आयुष्मान भारत योजना को हम लोगों ने लागू किया था, तुम्हारे सामने चुनौतियां अनेक थीं, लेकिन इसकी आवश्यकता भी हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। समयबद्ध ढंग से योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था और उन स्थितियों में हम लोगों ने अपनी इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आम जनता के नाम लिखे पत्रों के माध्यम से यह कार्रवाई आगे बढ़ी और उत्तर प्रदेश के अंदर 1,18,00,000 2,300 परिवारों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पत्र पहुंचाए गए। इस दौरान हम लोगों को जानकारी मिली कि एक बड़ी संख्या ऐसी है कि जो जरूरतमंद हैं लेकिन आयुष्मान भारत से आच्छादित नहीं है, उन जरूरतमंदों को भी योजना का लाभ मिल सके, इस दिशा से स्वास्थ्य विभाग से विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया और तब उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इसी प्रकार की एक योजना प्रारंभ की गई। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर 1,18,00,000 2,300 से अधिक परिवार इस योजना से आच्छादित हैं, यानी 6,00,00,000 से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो वहीं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 8,43,876 यानी लगभग 50,00,000 से ऊपर लोगों को इस योजना से भी आच्छादित किया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं में पत्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पत्र और जो मैंने भी लाभार्थियों को पत्र लिखा था, जिन पत्रों के माध्यम से प्रत्येक उस परिवार के उन सदस्यों को 5,00,000 रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, वह पत्र हम लोग पहले ही आम जन तक पहुंचाने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई कि पत्र एक जाता है, स्वाभाविक रूप से किसी परिवार में 5 लोग हैं, किसी में 6 लोग हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं,
तो एक बार में एक पत्र का उपयोग केवल एक ही परिवार कर सकता है, एक ही व्यक्ति कर सकता है एक परिवार का। हर एक सदस्य को एक गोल्डन कार्ड भी जारी हो सके, इस दिशा से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 45,29,482 गोल्डन कार्ड जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 1,79,604 गोल्डन कार्ड अब तक जारी हुए हैं। गोल्डन कार्ड हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, यह हमारी सबसे बड़ी कसौटी होगी इस योजना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा से। कुछ जनपदों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ जनपदों ने इस प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ किया है, कुछ जनपदों की प्रोग्रेस अभी धीमी है। धीमी गति वाले लोगों को पीछे से और तेज करने की एक आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि यद्यपि हर लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकता है क्योंकि उनको पत्र पहले दिया गया है, लेकिन साथ साथ उस हर गरीब के पास अगर गोल्डन कार्ड रहता है तो वह गोल्डन कार्ड उन लोगों को एक संबल होता है। मैं भी पिछले दिनों इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित कुछ जनपदों का दौरा किया था। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाने के बाद सभी विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया, जिसका परिणाम था कि 40 वर्षों से प्रदेश के जिन 38 जनपदों में मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी, उन मौत के आंकड़ों को हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए। और उन्हीं लोगों से संवाद बनाने के लिए मैं एक जनपद में गया था, तो नए पेशेंट नहीं थे, लेकिन हमने दोनों कार्यक्रम रखा था कि जो नए पेशेंट होंगे हॉस्पिटल में होंगे, हॉस्पिटल में उन्हें देखूंगा। जिन लोगों का उपचार हो चुका है, क्योंकि इस बीमारी की स्थिति यह थी कि एक तो मौत की दर 20% से अधिक थी, दूसरा जो लोग इस बीमारी से बच भी जाते थे उसमें से आधे बच्चे दिव्यांग हो जाते थे और उनको रिकवर होने में 4 से 5, 6, 7 वर्ष लग जाते थे। शेष जो लोग बच जाते थे, स्वस्थ हो गए हैं, उनको भी अपनी पूरी तरह स्वस्थ होने में कुछ समय लगता था, तो उन्हीं लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम मैंने अलग-अलग जनपदों में बनाया था। तो मैं एक जनपद में जब गया तो मैं वहां पे उन लोगों से मिल रहा था जो इस बीमारी से स्वस्थ, तो जिनके बच्चे हो चुके थे लेकिन अभी पूरी तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जिससे वे उतने अभी बहुत स्वस्थ नहीं कहे जा सकते थे। तो मैं एक बहुत गरीब महिला थी जिसके बच्चे को मस्तिष्क ज्वर हो गया था, बच्चा पहले की तुलना में काफी स्वस्थ हो गया है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी आपके सामने कोई परेशानी और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो उस महिला ने तत्काल अपना गोल्डन कार्ड दिखाया, कहा कि देखिए आज तुम्हारे पास ये कार्ड भी मौजूद है ना, अब तो हम कहीं भी जाके उपचार करा सकते हैं, एक एक विश्वास है मेरे पास। सामाजिक सुरक्षा की इतनी बड़ी गारंटी मुझे लगता है आजादी के बाद हिंदुस्तान में पहली बार बिना भेदभाव के भारत के नागरिकों को प्राप्त हुआ है, और दुनिया के अंदर इससे बड़ी आरोग्य योजना दूसरी नहीं है। मैं सचमुच इसके लिए प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं कि जिनकी प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी आरोग्य योजना को हम देश के सबसे बड़े प्रदेश में भी लागू करने में सफल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक कसौटी होगी,
निश्चित ही स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है संचारी रोग नियंत्रण के क्षेत्र में, लेकिन हमारी कार्य और सरल हो जाते हैं जब इस प्रकार की आरोग्य योजना से आच्छादित परिवारों को समयबद्ध ढंग से योजनाओं का लाभ देने में, उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने में जब सफल होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन योजनाओं का लाभ जब हम किसी लाभार्थी को उपलब्ध कराते हैं तो इन योजनाओं से हमारी स्वयं की विभाग की भी एक अलग छवि बनती है और एक प्रकार से हम विभाग के अच्छे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के साथ ही आम जन के बीच में अपने विभाग की विश्वसनीयता को भी बढ़ाते हैं। काफी अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे वह संचारी रोग नियंत्रण के दिशा किए गए कार्य हों, आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी के भी और मुख्यमंत्री के पत्रों को प्रत्येक उस परिवार तक पहुंचाने का हो, यही गति अगर हम गोल्डन कार्ड को पहुंचाने की दिशा भी कर सकें एक और अच्छा प्रयास हो सकता है। मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता पहले की तुलना में हमारे हॉस्पिटल्स में ज्यादा बढ़ी है, पहले की तुलना में ज्यादा दिखती है। आज आम जन इस बात की चर्चा करता है कि हमें दवा पहले की तुलना में अच्छी मिल रही है, उसको और भी अच्छा करने की दिशा में प्रयास करना एक बड़ा कार्य है और जिस पर मैं पहले से इस बात को फोकस करता रहा हूं। ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का जो कवर हम एक गरीब को दे रहे हैं, हमें इसकी कीमत को भी महसूस करना चाहिए और खास तौर पर यह देखना चाहिए कि इस योजना का किसी भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग न करने पाए। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के बारे में जो भी हो, जो भी उपचार की व्यवस्था है, इसके व्यवहारिक पक्ष को देखना और फिर व्यवहारिक पक्ष के अनुरूप हम इस बात को सुनिश्चित करें कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल हैं उन सभी चिकित्सालयों को समयबद्ध ढंग से भुगतान भी हो, लेकिन कहीं भी कोई योजना का दुरुपयोग न करने पाए, इसके बारे में विभाग को सदैव सतर्क रहना होगा और उस सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। इस योजना में जो सबसे बड़ी बात है कि अब तक प्रदेश में 1,87,000 ऐसे पेशेंट हैं जिनको इस योजना का लाभ सीधे सीधे मिला है, जिसमें 211 करोड़ 70 लाख रुपए अब तक विभाग ने भुगतान भी किए हैं और एक बड़ा कार्य इसके माध्यम से हुआ है, जिसमें कैंसर के 2,261, किडनी से जुड़े हुए 1,055, हार्ट से जुड़े हुए 787, इसी प्रकार से कैंसर में जो रेडियोथेरेपी और अन्य जो इसमें उपचार की व्यवस्था होती है लगभग 484 ऐसे पेशेंट हैं, इनकी संख्या अगर आप देखें तो 32,758 से अधिक ऐसी संख्या है जिन्हें एक वर्ष में आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए कि अगर आयुष्मान भारत नहीं होता या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं होती, ये 32,000 लगभग 33,000 के आसपास जो ये पेशेंट हैं जिनके उपचार में आयुष्मान भारत के माध्यम से 1,00,000, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपचार की निशुल्क प्राप्त हुई, क्या उनके लिए संभव हो पाता? ये शासन का दायित्व तो है, हम अपने हर नागरिक को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करें, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और ये सारे कार्य जिस तरीके से समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार के स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को पहले की तुलना में बेहतर बनाने की दिशा में किए जाने वाले कार्य हों, स्कूल चलो अभियान में हर एक बच्चे को स्कूल पहुंचाने की कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री स्किल मिशन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति के कौशल विकास की दिशा में
किए जाने वाले प्रयास हों या प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग के लिए किए जाने वाले सार्थक प्रयास हों, ये सभी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं। हम अनुमान कर सकते हैं कि 1947 से 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे सरकार के, और 2016 से 2019 के बीच हम लोग प्रदेश के अंदर 15 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, 2 एम्स बना रहे हैं, कैंसर संस्थान बना रहे हैं। पहले से चल रहे जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें सुपर स्पेशलिटी के कुछ नए ब्लॉक बना करके वहां पर भी बहुत अच्छी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई वहां पर हो रही है। अभी मेरी आज सुबह ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ बैठक थी और उस बैठक में 14 नए मेडिकल कॉलेज और एक राज्य के स्तर पर नए 15 नए मेडिकल कॉलेज के उस पर हम नए सिरे से कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। आप सोचिए 15 में हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं जिनमें 7 में इस वर्ष हमने प्रवेश शुरू किया, यानी 7 पहली बार एक साथ 700 MBBS के नए छात्र प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े हैं। यानी ये जब डॉक्टर बनकर के आएंगे तो हम गांव गांव में डॉक्टरों की एक नई फौज खड़ी कर देंगे। ऐसे ही कुछ मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों की संख्या भी बढ़ाई गई। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में भी हमने ओपीडी के साथ साथ वहां पर उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य की नई सुविधा, वहां पर स्वास्थ्य की उत्तम सुविधा के साथ साथ 50-50 बच्चों के MBBS में प्रवेश की व्यवस्था भी इस वर्ष से प्रारंभ कराई और 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में अगले वर्ष हम लोग प्रवेश करवाएंगे। यानी 2 वर्ष के अंदर 1500 MBBS की परीक्षा के प्रवेश के लिए मेडिकल कॉलेज तैयार होना, और हमने जो प्रस्ताव भेजे हैं अगर भारत सरकार उसमें अपनी सहमति देती है तो अगले वर्ष तक हम लोग 15 नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला फिर से रख करके उत्तर प्रदेश के अंदर हरेक 2 जनपद के बीच में एक नया मेडिकल कॉलेज देने में सफल हो सकते हैं। तब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। अब तक हमारे सामने एक चैलेंज था, डॉक्टरों की कमी थी। हम चाहते थे भर्ती करना लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिलते थे। आज जब हमारे मेडिकल कॉलेज से ही डॉक्टर निकलेंगे, हम उन्हें फील्ड में भेज सकते हैं, गांवों में भेज सकते हैं, दूर दराज के गांवों में भेज सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज सकते हैं, जिला चिकित्सालयों की व्यवस्था को और बेहतर कर सकते हैं, MBBS की पढ़ाई करने के बाद इंटर्नशिप की 1 वर्ष की कार्रवाई को गांव के किसी प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ जोड़ने की कार्रवाई कर सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से जो छात्र डॉक्टर बनकर के निकलेगा, स्वाभाविक रूप से 5 साल की पूरी पढ़ाई में उसके 5 लाख भी खर्च नहीं होंगे। अगर वह किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करता तो उसके करोड़ों रुपए खर्च होते। सरकार ने जो उसके करोड़ों रुपए बचाए हैं, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में एक संबल दिया है, सरकार इसके लिए उनके साथ एक बॉन्ड भी भर रही है कि जब डॉक्टर बनकर के निकलेंगे इन्हें कम से कम MBBS के बाद 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश सरकार की दिशा निर्देश पर कार्य करना होगा। PG के बाद भी वह व्यक्ति अगर MS और MD की डिग्री लेता है तो भी वह ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष तक की अपनी सेवा देगा। इस प्रकार के बॉन्ड भरवाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, यह स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के साथ साथ बहुत जगह स्वास्थ्य विभाग ने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम आम जन को उन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने में एक बड़ी मदद कर सकते हैं।
जिन बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर डॉक्टर रहते नहीं थे, साधन नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, हमने वहां पर दूसरे संस्थाओं के सैटेलाइट सेंटर बनाए, जैसे बलरामपुर जनपद में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर बना करके उसको मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करना, और एक केजीएमयू की जिम्मेदारी होगी इसे एक मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने के साथ साथ वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएं। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हर जनपद को 4 और 3 दी गई हैं, बड़े जनपद को 4, छोटी जनपदों को 3, कितनी लाभदायक है। दुर्भाग्य से कहीं कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पास जो 1 घंटे का समय होता है, जो गोल्डन आवर उसका है, अगर उस समय उसको अच्छी सुविधा न मिले तो व्यक्ति तो वहीं पर उसकी जान चली जाएगी। लेकिन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ने विगत 1.5 वर्ष के अंदर 1 लाख से अधिक ऐसे लोगों को बेहतरीन सुविधा और बेहतरीन केंद्र तक पहुंचा करके उनकी जान को बचाने का कार्य किया है। और भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, इन सब प्रयासों को एक टीम के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां अच्छा कार्य हो रहा है उसको प्रोत्साहित करना, जहां कार्य मध्यम गति का है उसको और तेज करना, जहां अभी भी कमी है उसको सुधार करके बेहतरीन स्थिति में पहुंचाने की कार्रवाई करना। और आयुष्मान भारत इस सब में प्रदेश की लगभग 6.5 से 7 करोड़ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम बना है। मैं इससे जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को आयुष्मान भारत की 1 वर्ष की इस उपलब्धि और कार्ययोजना पर हृदय से बधाई देता हूं। यह आरोग्य योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी आरोग्य योजना है, आप सबके लिए फलदायी हो, इस दृश्य में आप सबके प्रति हृदय से आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गोल्डन कार्ड को युद्ध स्तर पर एक मिशन मोड में लेकर के स्वास्थ्य विभाग उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य कर पाएगा, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।